तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके कमेंट्स मैंने पढ़े, बहुत प्यार आप लोगों ने दिया है, थैंक यू सो मच। चखोला 5.1 पिछले वीडियो में दिखाया था, कुछ मिस हो गया था, पहले वो देखिए। तो गाइस, फाइनली हम पुल पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये बहुत खूबसूरत पुल है और पुल पे चलते हुए मैं आपको दिखाऊंगी, तो चलिए। और साथ में यहाँ पर नदी भी है, तो उसका भी आनंद आप ले सकते हैं। नदी को हम बोलते हैं गदन, तो बड़ू गदन ऊंच। तो बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा नदी आप देख सकते हैं इस तरह आपको दिख जाएगी, और ये पुल भी काफ़ी शानदार है। तो चलिए, देखते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए, और कैमरामैन को बोलूँगी कि अच्छे से दिखाइए सबको कि कैसा लगता है हमारा पहाड़। ये देखिए, खूबसूरत नदी, बड़े बड़े पत्थर, मतलब बड़े बड़े हनुमान जी उठा के लाए थे ऐसा लगेगा आपको। ये देखिए देखिए, बारिश के मौसम में ये जो नदी है वो बहुत ज़्यादा उफान ले लेती है, और उस वक्त आपको इधर से नहीं जाना, इसीलिए पुल बनाए। लेकिन कई गांव आपको ऐसे भी मिलेंगे कि पुल नहीं मिलेगा। तो अभी जैसे नदी चल रही है तो इसमें आप नहा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश हो गई तो आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना है, पुल के रास्ते ही आपको जाना है। और उत्तराखंड का दुर्भाग्य यही है कि जो उत्तराखंड की सरकार है वो शहरों की तरफ तो ध्यान देती है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ज़्यादातर आबादी तो गांव में रहती है, लेकिन गांव के लोगों के बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि ऐसी बहुत जगह है जहां पर पुल नहीं बनाए गए हैं, और हर साल कई बच्चे कई बड़े डूब जाते हैं नदियों में, क्योंकि उफान बहुत ज़्यादा हो जाता है और गाँव तो पहुँचना ही होता है, तो ऐसी नदियाँ वो पार करते हैं, सोचिए कितनी मुश्किल होगी। तो सरकार से हमेशा यही अपील रहती है, जैसे संगुड़ी घाट का पुल है उसको बनाने के लिए सालों से हम प्रयास कर रहे हैं, सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। चलिए, कोशिश हमारी रहेगी, आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आप कहते हैं कि पहाड़ के लोग बहुत सीधे होते हैं, बच्चे कितने शांत होते हैं, तो इसके पीछे एक कारण होता है कि कंडाली हमें बचपन से बहुत ज़्यादा मारा जाता है उससे, इसीलिए हम इतने अच्छे होते हैं। तो ये सर हमारे पास है, तो ये हमें बताएंगे कि मारने के अलावा, बच्चों को सटेलने के अलावा और क्या क्या काम होते हैं कंडाली के? इसके फायदे इतने हैं कि एक दिन इसकी भुज्जी बनाई जाती है। अच्छा। और इसमें कंडाली पनीर भी बनाया जाता है, जो कि अभी बाहर भी इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे पालक पनीर होता है वैसे कंडाली पनीर होता है, और अगर कभी मोच आ जाती है तो मोच पे भी अगर एक एक बार सटेल के मारो तो उसका भी मोच भी ठीक हो जाती है। इसके फायदे इसके हैं। कितना बड़ा फायदा है बताइए, कि अगर मोच आए और आपने कंडाली की जोर से मार दी झम, तो सब बिल्कुल बिल्कुल बिना डॉक्टर के भी बहुत फायदा है। स्वास्थ्य के लिए क्या क्या फायदा? स्वास्थ्य के लिए इसकी हरी सब्जी बहुत बढ़िया है इसकी। अच्छा। सर्दियों में तो इसको लगातार खाया जाता है, इसमें आलू भी डाल सकते हो इसके साथ और पनीर भी डाल सकते हो। अच्छा सर, ज्यादातर सर्दियों में खाया जाता है? सर्दियों में खाया जाता है। गर्मियों में खाएंगे तो क्या होता है? दिक्कत आती है थोड़ा, गर्मी ये एक्चुअली क्या गर्म चीज होती है। अच्छा। ये गर्मी दिखाती है, पेट चलने लगता है क्या? हल्का, हाँ ये उसमें। अच्छा, थैंक यू। तो कंडाली के बारे में काफी कुछ भैया ने बताया, इसके अलावा गाँव में कंडाली की ग्रीन टी भी बनाई जा रही है, अभी प्रोसेसिंग चालू है, अगर ये अच्छे से बन जाती है तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। वहीं आपको बताऊं कि जखोला में पानी की कोई भी कमी नहीं है, हर जगह आपको पानी पानी दिखेगा, ये प्राकृतिक स्रोत है। इस वक्त जो बारिश हो रही है उसकी वजह से मटमैला पानी आपको लग रहा होगा, लेकिन एकदम साफ पानी यहाँ पर आता है, क्योंकि पानी का टेस्ट कराया गया है। आहा, कति सुंदर झरना चना। चलो, अब थोड़ी बहुत जानकारी सब्जियों के बारे में। तो भैया, आपने कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पर उगा रहे हो? सब्जी यहाँ पे पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है। अच्छा। और पहाड़ी खीरा। अच्छा। और बैंगन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। पत्ता गोभी तो यहीं पे दिख रही है हमें है। ये देखिए, पत्ता गोभी हमें दिख रही है, साथ में ये शायद स्ट्रॉबेरी के, हाँ ये स्ट्रॉबेरी भी लगाया है, पत्ता गोभी भी लगाया है, और ये टमाटर। टमाटर देखो, एक नई चीज है इसमें, देखो पैर द्वारा भी हो सकता है। अच्छा, ये है इसमें बिना कहीं पे खेती में अगर आपके पास कम है। हाँ। तो ऐसे भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी टेक्निक, ये है नई टेक्निक, ये इस पे दीवार पे भी बंद गोभी हो सकती है। ये वाला फूल देखा, जैसे ये दीवार पे लगा रखा है ना? हाँ। दीवार पे, हाँ दीवार पे। ये पाइप वाला भी आप कर सकते हैं घर पे, सीने इस पे भी हो सकता है अगर जगह नहीं आपको। अच्छा, केसर एक बार इन्होंने ऑलरेडी उगा दी है, नया पौधा ये लाए हैं और फिर से इसे उगा रहे हैं, और जो केसर इन्होंने उगाई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता, तो बहुत कुछ है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो आप केसर जो कि बहुत महंगा बिकता है। ये खीरा दिख रहा है मुझे, चोरने का मन कर रहा है।
बचपन में खीरे चोरी आप ऐसे ही करते रहे होंगे, मेरा ज्यादातर लेकिन आप उगाएंगे नहीं तो बीज उत्पादन के लिए ये। अच्छा, ये बीज उत्पादन के लिए खीरा इन्होंने लगाया हुआ है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया केसर पर ये ट्रायल कर चुके हैं, केसर ऑलरेडी हो भी चुका है, ये देखिए कितना सुंदर ये केसर हुआ है। इसका बीज ये होता है, ये आप कहाँ से लेकर आए? ये मैंने बाहर से मंगाया था। अच्छा, मेरे दोस्त है वहाँ से मंगाया था, फिर मैंने यहाँ पे प्रशिक्षण किया। हाँ। मैंने इसको फरवरी में किया। अच्छा, तो ये 3-4 महीने में हो जाता है। मतलब कृषि के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत बधाई वाली बात है आपके लिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर आपकी याददाश्त कमजोर होती है तो बादाम कितने उपयोगी होते हैं, तो बादाम भी इन्होंने उगाए हुए हैं। कितने पेड़ है आपके बादाम के? दो पेड़ हैं। दो पेड़ हैं, एक पे फल आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं माइक यूज करना भूल गई, तो अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो माफ कीजिएगा। तो आपके सबके फेवरेट नेगी जी भी आज हमारे साथ है। हाँ। भैया, कैसा लगा हमारा गांव जखोला? मुझे जखोला गांव बहुत अच्छा लगा, जैसे होता है ना वो अखरोट से जखेली निकलती है, मुझे उसकी याद आ जाती है जखोला गांव को बार बार बोल करके। तो आप कहीं इसे जखेली तो नहीं बोलोगे फिर? नहीं, मैं जखोला ही बोलूंगा। अच्छा, खाना पीना खाया ना आपने अच्छे से? बहुत ही बढ़िया, मैंने एक्चुअली सांस अंदर ले रखी तब जाकर के आप फ्लैट देख सकते हैं। इनका पेट बाहर आ गया था, लेकिन अब देखिए फिर से सही है। आप लोग नजारे देखो कितने प्यारे। तो नेगी जी को तो भाई बहुत पसंद आया हमारा गांव, अगर आप भी आना चाहते हैं यहाँ तो ज़रूर आइएगा। बहुत आसान है यहाँ पर आना, मैं आपको बता दूंगी कैसे यहाँ पर आना है। शिमला मिर्च देखिए, पौधे मैंने दिखाए थे शिमला मिर्च, कितनी ताजी ताजी शिमला मिर्च। और दोस्तों, गांव से हमें ढेर सारी सब्जियां मिली है, अगर आप भी आओगे तो आपको भी मिलेगी, क्योंकि यहां पर ऐसा होता है कि अगर जानते पहचानते नहीं है तब भी खूब प्यार देते हैं आपको। तो गाइस, आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और नेगी जी भी हमारे साथ है, उन्हें जखोला बहुत पसंद आया होगा, आप सब इन्हें जानते होंगे। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक तो जरूर कीजिएगा, ठीक है? लव यू, बाय। मुझे झरने का वो लेना है रिकॉर्ड। तो फाइनली हम जखोला से वापस आए थलीसेन, जहाँ पर हमारा घर है। नेगी जी भी हमारे घर पे ही थे 2 दिन तक, और अब उन्हें रुद्रांश के लिए मम्मी पैक कर रही है कुछ सामान। तो दोस्तों, नेगी जी से एक बार फिर मिलेंगे, और हमने प्लान किया है कि हम मिलते रहेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, और भारी दिल से हमें नेगी जी को बाय बाय कहना पड़ रहा है। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। बाय। आई होप आपको जखोला गांव बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और आपके कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, अपने सुझाव मुझे देते रहना, और मैं कोशिश करूंगी कि आप जैसे ब्लॉग्स बनाने के लिए मुझे कह रहे हैं वैसे ही ब्लॉग्स बनाऊंगी। साथ ही यहाँ का बहुत ही आसान रास्ता बताऊंगी कि कैसे आपको आना है। कई लोगों ने बोला है कि लो बजट में हम कैसे इस गाँव की ट्रिप कर सकते हैं, तो सब जानकारी आपको मिलेंगी। आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछते रहिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। लव यू ऑल।